खबरें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मधुबनी जिले की खबरों को पूरे डिटेल्स के साथ पढ़ने के लिए आप हमारे न्यूज पोर्टल www.chauthastambhdigital.com पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आज की खबर। पीछे से ठोकर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। ग्रामीणों के दबाव में बाइक सवार ने जख्मी को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसकी मौत हो गई। बाद में बाइक सवार नेपाली नागरिक के शव को बॉर्डर पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। सूचना मिलने पर नेपाली नागरिक के परिजन शव को उठाकर ले गए। मधेपुर में ट्यूशन पढ़ने आई एक 16 वर्षीय छात्रा पर सनकी युवक ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल छात्रा उपचार के बाद डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। छात्रा मधेपुर थाना में कार्यरत पुरसों चुन्नी गांव के चौकीदार संजय मंडल की पुत्री नीतू कुमारी है, जो गांव से मधेपुर ट्यूशन पढ़ने आती थी। इधर छात्रा के पर जानलेवा करने वाला युवक मधेपुर के भोला पासवान का पुत्र सुधीर कुमार बताया जा रहा है। इससे पहले भी सनकी युवक एक व्यक्ति की इसी तरह जान ले चुका है। इस मौके पर जिला महासचिव श्री झा ने कहा कि इस कड़ाके के ठंड में गरीब असहाय के बीच कंबल वितरण करने का उद्देश्य ठंड से लोगों को बचाना है। मौके पर युवा प्रवक्ता कौशल सिंह राजपूत, रूपम झा, अमरजीत झा, जयाउल, बिट्टू झा समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। छछारपुर अनुमंडल मुख्यालय से सटे बेहद उत्तरी पंचायत के डुमर मोना गाँव में बीते मंगलवार की देर रात आग लगने से मलारी मंडल का फूस का बना हो गया। इस अग्निकांड में करीब 2 लाख रुपए की आर्थिक क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। पीड़ित परिवार द्वारा सरकारी सहायता हेतु अंचल अधिकारी को आवेदन दिया गया है। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के एसडीएम सभा कक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी देवी कुमारी की अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस समारोह के सफल आयोजन को लेकर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह स्थल अनुमंडल कार्यालय परिसर में आयोजित होगा। इस दौरान एसडीएम बेबी कुमारी ने बताया कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन निजी और सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर कोविड-19 के वायरस रोकथाम को लेकर सरकार द्वारा जारी निर्देश की गाइडलाइनों का पालन करते हुए मनाया जाएगा। आज अंधरा थाने प्रखंड मुख्यालय बाजार में सीओ के द्वारा अतिक्रमण जमीन को फिर से माफी करवाई गई। इससे पूर्व कुछ लोगों ने माफी में अंचल अमीन द्वारा भेदभाव करने की शिकायत की थी। इससे पूर्व अंचल महकमा से जमीन को खाली करने के लिए 93 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजे गए थे, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई, जिसका आज निदान कराया गया। अंचल अधिकारी प्रवीण वत्स ने बताया कि हर हाल में बाजार को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। अंधराठाड़ी प्रखंड के आधार केंद्र पर गुरुवार को अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को नियंत्रित किया। पुराने प्रखंड विकास सह अंचल कार्यालय में संचालित आधार केंद्र पर इन दिनों आधार कार्ड में त्रुटि में सुधार के साथ साथ नए आधार कार्ड बनाने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कभी कभार भारी भीड़ जुट जाने से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। फुलबराज थाना क्षेत्र के धौसी गाँव के विष्णुदेव मल्लिक की पत्नी पारो देवी ने थाना में आवेदन देकर अपने देवर मलिक एवं लालदेव मलिक पर अपने घर से रखे ट्रक का ताला तोड़कर 2,10,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाते हुए थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थाना में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पानो देवी जब अपने रिश्तेदारों के घर गई थी तो उसके देवर ने घर को चुना पाकर उसके ट्रक का ताला तोड़कर रुपए चुरा लिए। थाना अध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी है। सूबे के परिवहन मंत्री के गृह अनुमंडल फुलबराज में स्थायी बस पड़ाव नहीं है। फुलबराज अनुमंडल में स्थायी बस स्टैंड नहीं रहने के कारण छोटे बड़े यात्री वाहन लोहिया चौक एन 57 सड़क पर ही खड़े
दुर्घटना में कई लोगों की जान लग जाती है। बस, ट्रक, ट्रैक्टर, टेम्पो सहित अन्य वाहनों को खड़ी कर यात्रियों को उतारते और चढ़ाते हैं, जिस कारण अब तक दर्जनों लोग बस में ही काल के गार में समाते हैं। फुलबराज का ऐतिहासिक व सामाजिक महत्व एवं गौरव को बढ़ाने वाले क्रांतिकारी शहीद परमेश्वर स्मारक राजनीतिक उपेक्षाओं का शिकार हो गया है। शहीद परमेश्वर स्मारक के चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। जिस क्रांतिकारी शहीद के जीवन से आज के युवा पीढ़ी प्रेरणा लेते हैं, उस स्मारक के आसपास गंदगी का यह आलम है कि उस स्मारक को लोग नाकों पर रुमाल रखकर पार करते हैं। इसके अलावा फुटपाथी दुकानदारों द्वारा स्मारक की जमीन को अतिक्रमण भी कर लिया गया है। फुलबराज प्रखंड के गुरगामा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इस्लाम राय को लोहा के विधायक भारत भूषण मंडल ने अपना निजी सचिव नियुक्त किया है। इससे संबंधित अधिसूचना विधानसभा सचिवालय के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लोहा क्षेत्र संख्या 40 के विधायक भारत भूषण मंडल अपने संसदीय कार्य में सहयोग के लिए मोहम्मद इस्लाम राय को मनोनीत किया है। उनके मनोनयन से राजद एवं कांग्रेस सहित महागठबंधन से जुड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पदाधिकारी के आवासीय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार की अध्यक्षता में एक विदाई समारोह आयोजित कर बुगड़िया के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार को दूसरे जिले में हुई तबादले पर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। इस विदाई समारोह में सभी उपस्थित अनुमंडल क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस अधिकारी ने उनके तबादले पर भूरी प्रशंसा करते उनके कार्य को उल्लेख किया। बाबूबरही थाना परिसर में जल्द ही बनेगा आगंतुक कक्ष, इस बात को लेकर लोगों में हर्ष है। बाबूबरही स्थित थाना परिसर में आगंतुक कक्ष निर्माण को लेकर गुरुवार को जमीन का चयन किया गया। यह कक्ष 16x13 का हॉल बनेगा, जिसमें शौचालय भी अटैच रहेगा, जो बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाएगा, जो तकरीबन 4 लाख रुपए से बनकर तैयार होगी। थाना परिसर में भवन बन जाने से लोगों को लाभ मिलेगी। हरियाणवी थाना क्षेत्र के चर्चित मूक बधिर नाबालिग गैंग रेप की शिकार पीड़िता की मां की इन दिनों दिमागी हालत ठीक नहीं है। घटना के 7 से सदमे में रहकर पीड़िता का DMCH में उपचार करा रही उनकी मां अचानक लापता हो गई। हालांकि लापता मां 24 घंटे में ग्रामीणों ने खोज निकाला। ताजुब है कि पीड़िता की मां के लापता होने की सूचना के साथ भी दरभंगा की पुलिस ने उनकी कोई खोज खबर नहीं दी। पीड़िता की मां और एक भाई बिना किसी सुरक्षा के DMCH में पीड़िता नाबालिग का उपचार करा रहे हैं। हरियाणवी थाना पुलिस ने एक माह पूर्व हुई अपहरण मामले की अपहृत महिला व उनके 2.5 वर्षीय पुत्र को बरामद कर लिया है। गुप्त सूचना पर बेनीपट्टी स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप से अपहृत महिला और उसके बच्चे को पुलिस ने बरामद किया है। एक माह पूर्व उमगांव बाजार चौक के निकट चाय का दुकान कर रही महिला बच्चे के साथ पेटी ट्रंक बनाने वाले पटना के एक युवक के साथ गायब हो गई थी। पति के द्वारा महिला के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हरियाणवी थाना पुलिस ने अलग अलग जगहों से बाइक समेत 470 बोतल शराब जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने सुरगांव निवासी अरविंद कुमार महतो के घर का छापेमारी की, जहां घर के बगल में छुपा रखे 170 बोतल शराब जब्त कर मौके पर उक्त तस्कर को भी हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ एक बाइक सवार तस्कर पुलिस को देखकर शराब और बाइक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने बाइक पर लगे गोले से 300 बोतल शराब बरामद किया। आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज़। नमस्कार।